गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आई एम प्रीति शर्मा। बेटे, आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 हिंदी रीडर नोटबुक का, बाल दिवस। बेटे, ये आपकी एक एकांकी है। एकांकी मतलब क्या होता है? नाटक का एक छोटा पार्ट, एक अंक या एक छोटा रूप। ये चैप्टर हमें स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। आप इसके कठिन शब्द देखिए। आपको इस तरह से अपना चैप्टर लिखना है, शीर्षक लिखना है, डेट मेंशन करके, और ये कठिन शब्दार्थ अपनी कठिन शब्द अपनी नोटबुक में करने हैं और इसके शब्दार्थ भी करने हैं। ये करने से पहले बेटे आपको अपना एक पेज सुलेख करना है, इस बुक का, आपकी नोटबुक का एक पेज सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको सुलेख करना है, ठीक है? और आपका 4th होमवर्क क्या होगा कि आपको इस चैप्टर की पूरे की रीडिंग करनी है और ये समझना है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज देखिए इसके कठिन शब्द, इनका मतलब आप समझिए बेटा। पहला कठिन शब्द है आपका शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद मतलब होता है जो हमें कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करने वाली। एकांकी, नाटक का एक छोटा अंग। नाटक का एक अंग क्या कहलाती है? एकांकी। संवादों, संवादों मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की से व्यक्तियों द्वारा बोली गई बात क्या कहलाती है? संवाद। संवाद मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बातें करना। थर्ड है अपना माध्यम। माध्यम होता है जरिया, किसके माध्यम से ये काम हुआ है, वो जरिया। बातचीत, लोगों की आपस में हम एक दूसरे से बात जो करते हैं वो क्या कहलाती है? बातचीत। डायलॉग, मुंह से निकले गए पर्टिकुलर, कोई बताया कि आपको जाके स्टेज पे यही बोलना है तो वो आपको क्या कहलाता है? नाटक के पार्ट में आप मैम आपको देती है ना, आप नाटक वगैरह कोई प्ले करते हो तो उसमें कि आपको ये जाके वहां पे ये बोलना है तो वो क्या कहलाता है आपका? डायलॉग। जानकारी, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन देना या कोई सूचना देना है ना, किसी भी के बारे में आपको विस्तार से बताना क्या कहलाता है? जानकारी। अध्यापक आपका टीचर होता है बेटे। बाल दिवस, बच्चों का दिवस। बाल मतलब बालक और दिवस मतलब दिन, बच्चों का दिन। जन्म दिवस, जिस दिन आपका बर्थ होता है, जन्म होता है वो दिन, दिवस मतलब दिन। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या होता है? पूरे देश का प्रधान व्यक्ति, ठीक है, जिसके हाथों में हमारे देश की भागदौड़ होती है, वो देश के से संबंधित हित किससे संबंधित डिसीजन लेता है। समर्पित मतलब उसको सौंपा हुआ है ना, किसी को समर्पित करना, डेलीगेट करना, किसी भी बात को डेलीगेट करना तो वो क्या कहलाता है? समर्पित। पहनावा, ड्रेसअप, ठीक है, पहनावा क्या कहलाता है? ड्रेसअप। पसंदीदा, फेवरेट, आपकी फेवरेट चीज क्या है, फेवरेट फ्रूट क्या है तो वो क्या कहलाता है? पसंदीदा। प्रसिद्ध, फेमस, लेखक, कविता या कहानी या कोई लेख लिखने वाला क्या कहलाता है? लेखक। लिखने वाला क्या कहलाएगा? लेखक। गौरवशाली, जिस पे हम जो हमें प्राउड हो, कोई भी ऐसा काम जो जिसको हमें प्राउड हो हमें, वो क्या कहलाता है? गौरवशाली। अचकन, अचकन बेटा जैसे ही गांधी जी ये पहनते थे ना, बंद ऊपर तक के गले का है ना, हाई नेक गले का कोट जो पहनते थे, इसे हम क्या कहेंगे? अचकन। संबंधित, रिलेटेड, संबंधित मतलब होता है उससे संबंधित, एक का संबंध दूसरे से होना क्या कहलाता है? संबंधित। प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। शांति दूत, शांति का मैसेज देने वाला। दूत मतलब होता है किसी की मैसेज, एक दूसरे को संदेश पहुंचाने वाला क्या कहलाता है? दूत। और शांति दूत, शांति का संदेश देने वाला। कबूतरों, सब खूब सारे कबूतर, कबूतर एक पक्षी है। भाईचारा, सभी को भाई मतलब अपना मानने की भावना क्या कहलाती है? भाईचारा। प्रयत्न, कोशिश, संदेश, मैसेज किसी को पहुंचाना। मुक्त करना मतलब आजाद करना, खास, विशेष। जीवन, हमारी लाइफ, हमारा लाइफ जो होती है वो होता है जीवन। कविता, कोई भी पोम जो हम बोलते हैं वो क्या कहलाती है? कविता। बेटी, ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद आपका सेकंड वर्क होगा, आपका फर्स्ट वर्क है आपकी इस चैप्टर की
पूरा एक पेज सुलेख, जितना भी आपकी नोटबुक में आता है वो वन पेज सुलेख आपको करना है। उसके बाद आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से पूरा, और उसके बाद आपको ये कठिन शब्दार्थ करने हैं। ये हमारे कठिन शब्दार्थ हैं 7, तो ये कठिन शब्दार्थ आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये मैंने जो कठिन शब्द आपको दिए हैं, आपको समझाए हैं, वो आपको आज के होमवर्क में करने हैं। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग अगेन, बाय बाय, स्टे सेफ।